टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस के बारे में, देन हम देखेंगे उसका उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, साथ में हम उसको कंपेयर करेंगे बैक्टीरिया के साथ, और उसके साथ साथ हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को और केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। हम एक एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे, देन हम एंड पे सिंथेसिस भी करेंगे कि कैसे वायरस खुद को रेप्लिकेट कराता है। दो फॉर्म हम इसको पढ़ेंगे, नॉर्मल भी पढ़ेंगे और बैक्टीरियोफेज की फॉर्म में भी हम देखेंगे, जिसमें हम दो साइकिल इंपॉर्टेंट साइकिल डिस्कस करेंगे, जैसे लाइटिक साइकिल है और लाइसोजेनिक साइकिल है। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट वायरस, व्हाट इज वायरसेस। वायरस जो है सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म भी वायरस की ही होती है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉलर इन देयर साइज, दैट्स व्हाई दे हैव द स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। और उसके साथ साथ इसको हम किसी भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फैमिली में क्लासिफाई नहीं करते, बिकॉज इसके पास कोई जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है जिसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करें, बिकॉज हमेशा ये दूसरे के या होस्ट सेल के जो है सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करता है और खुद को रिप्लिकेट करवाता रहता है। इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है जो खुद को रिप्लिकेट करवा सके। उसके साथ वायरसेस के बारे में कहते हैं कि दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या कि जब ये लिविंग होस्ट के अंदर होते हैं, कोई भी हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर होते हैं, तो ये लिविंग फॉर्म में होते हैं। जैसे होस्ट से बाहर होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अलावा जो है इसी को एलिमेंट्री बॉडीज भी कहते हैं वायरसेस को, बिकॉज ये एक कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है। एक तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर ये दिखाई नहीं देते, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से इसको एलिमेंट्री बॉडीज भी कहा जाता है। इसके साइज की अगर बात करें तो ये 20 नैनोमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस 20 नैनोमीटर, और सबसे लार्जेस्ट वायरस जो कि बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसके बराबर होता है, वो होता है 300 नैनोमीटर का। सो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं अबाउट वायरसेस। वायरसेस पहली बात कि ये जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट प्लस स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म। सेकंड, दे डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो हम कह सकते हैं नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई हम इसको क्लासिफाई नहीं करते लिविंग, सॉरी उसमें किसी भी क्लास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी किसी भी क्लास में हम वायरस को क्लासिफाई नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, दे आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वही सेम कि अगर किसी होस्ट के अंदर हो तो ये लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, होस्ट से बाहर आते हैं तो नॉन लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, और दे आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्री बॉडीज, दे आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्री बॉडीज। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। प्रॉपर्टीज अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वायरसेस जो होते हैं, सबसे पहले दे डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। उसके बाद इनके पास जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो हो सकता है इसके पास डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों एक साथ एक ही वायरस के अंदर नहीं हो सकते। देन थर्ड, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, मतलब कि ये ऐसे पैरासाइट्स हैं, ट्रू पैरासाइट्स हैं कि जिसके रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है, विदाउट होस्ट दे कांट मल्टीप्लाई और कांट रेप्लिकेट। उसके अलावा इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होते वायरसेस के पास जिसके थ्रू ये अपने प्रोटीन्स बना सके, न्यूक्लिक एसिड बना सके, या फिर
जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है इसके लिए वो सारी चीजें कंपोजिशन करवा सके। सो ये होस्ट की हेल्प लेता है, उसकी मशीनरी के थ्रू ये अपने प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल को वहां से बनवाता है होस्ट के थ्रू। उसके साथ साथ इसका जो मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी कम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया की तरह नहीं है, बाइनरी फिशन के थ्रू ये मल्टीप्लाई नहीं होते। और लास्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी, ये एंटीबायोटिक्स जितनी भी हमारी है वो इसके ऊपर इनइफेक्टिव होती है। द क्लासिकल रीजन इज वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होती और ना ही अपनी कोई बाउंड्रीज होती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती, सही है ना ही इसके पास अपनी कोई राइबोसोम की फैक्ट्री है और ना ही इसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना ही कोई सेल वॉल है। दैट्स व्हाई इसके ऊपर जो है वो अफेक्ट नहीं करती एंटीबायोटिक्स। तो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये नो सेलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे पैरासाइट जिसके मल्टीप्लीकेशन के लिए होस्ट का होना जरूरी है। और जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इनके पास कोई एक होता है, दे कैरी डीएनए और आरएनए बट कांट बोथ। उसके साथ एंटीबायोटिक्स जो है इनइफेक्टिव होती है इसके ऊपर, एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव। और एक लास्ट बात जिसमें हमने कहा कि ये जो है, यहां पे मैं मेंशन करूंगा इसको, इसकी प्रॉपर्टीज में दे डोंट हैव एनी सिंथेटिक मशीनरी, और एंजाइम बाय विच दे कैन मेक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। यही वो रीजन है जिसकी वजह से वायरसेस जो होते हैं प्योरली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर, और वो खुद की जो है रेप्लिकेशन ही करवा सकते अनटिल अनलेस उनको होस्ट ना मिले कि वो ये वाले काम करवा दे उसे कि उनके होस्ट के एंजाइम को यूज करके वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाए और उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस करवाए। यहाँ तक थी हमारे इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम कंपेयर करेंगे वायरसेस को बैक्टीरिया के साथ। वायरसेस वर्सेस बैक्टीरिया, जब हम वायरस को बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करते हैं उसमें कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके जो साइज है, साइज के ऊपर अगर हम देखें तो वायरसेस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब ऐसे इतने छोटे साइज के होते हैं कि हम लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर वायरसेस को नहीं देख सकते। अगर हमें देखना हो तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इसको देखने के लिए रेदर देन लाइट माइक्रोस्कोप। और जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब कि इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर आके देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वायरसेस जो है ये होते हैं ट्रू पैरासाइट्स, और बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रू पैरासाइट्स मीन कि दे नीड देयर होस्ट एवरी टाइम, विदाउट देयर होस्ट दे आर नथिंग। और बैक्टीरिया जो है ये पैरासाइटिक भी हो सकती है, बैक्टीरिया जो है सेप्रोफेटिक भी हो सकती है, जो डेड मटेरियल की डिके में हेल्प करती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन देती है। और बैक्टीरिया जो है बायोसिंथेटिक भी हो सकती है, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल है सियानो बैक्टीरिया, जो कि खुद अपनी फोटोसिंथेसिस करवाती है और अपना फूड खुद बनाती है। उसके अलावा वायरस इसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। बैक्टीरिया के पास बोथ एट ए टाइम प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। उसके अलावा वायरसेस जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें से, जैसे भी हमने कहा कि डीएनए या आरएनए जो है वो नहीं होते, और ये डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर। बैक्टीरिया जो है
दे डिपेंड ऑन होस्ट, इधर ऑन होस्ट और दे कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई आउटसाइड ऑफ द होस्ट, सही है। तो वायरसेस जो है इसके लिए हमेशा होस्ट का होना जरूरी है, जबकि बैक्टीरिया के लिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होस्ट में, मतलब ये पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और वायरसेस जो है ये कम्प्लेक्स तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं और बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मल्टीप्लाई होता है। वायरसेस कॉज करते हैं स्नीजिंग, कफिंग, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा, देन उसके साथ कॉज करती है ये मीजल्स और साथ में चिकन पॉक्स। बैक्टीरिया जो है डायसेंट्री, जो कॉलरा है वो नमूनिया, टेटनस एटसेट्रा कॉज करती है। तो हम कंपेयर करते हैं वायरसेस को बैक्टीरिया के साथ, हम लिख सकते हैं पहली बात कि वायरसेस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक। अगेन यहाँ पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोपिक मीन कि बैक्टीरिया लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर भी दिखाई दे जाता है। वायरसेस की स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, और बैक्टीरिया का जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर भी हो जाता है। सेकंड, इसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, और बैक्टीरिया के पास बोथ होते हैं। थर्ड, वायरसेस जो है दे आर ट्रू पैरासाइट्स, ट्रू पैरासाइट्स। बैक्टीरिया ये जो है ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं ये, उसके अलावा ये सेफ्रोफेटिक भी हो सकते हैं। मीन कि ये डेड डिके के ऊपर जितनी भी डेड चीज होती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और खुद अपना न्यूट्रिशन हासिल करती है वहां से, या फिर ये बायोसिंथेटिक हो सकते हैं, खुद ही बनाती है, प्रिपेयर करती है जैसे कि प्लांट करते हैं वैसे। और इसकी बायोसिंथेटिक मशीन में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उसके अंदर क्लासिकल एग्जाम्पल आता साइनोबैक्टीरिया, ये खुद फोटोसिंथेसिस करा के बनाते हैं। फोर्थ, वायरसेस जो होते हैं ये होस्ट के बगैर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सो दे कांट रेप्लिकेट विदाउट होस्ट। बैक्टीरिया दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड और आउटसाइड, मतलब कि होस्ट के अंदर भी या होस्ट से बाहर भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसका मसला नहीं होता। फिफ्थ, वायरसेस जो होते हैं ये होते हैं ए सेलुलर इन नेचर, ए सेलुलर, और बैक्टीरिया जो होता है ये होता है सेलुलर इन नेचर, सेलुलर। सिक्स, लास्ट पॉइंट जिसमें हम क्लासिकल एग्जांपल देते हैं जो वायरसेस कॉज करती है चीजें ह्यूमंस के अंदर, वायरसेस कॉज करती है क्या, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, उसके साथ साथ मीजल्स, चिकन पॉक्स, कफिंग, स्नीजिंग और एड्स एटसेट्रा। और बैक्टीरिया जो है ये कॉज करती है डायसेंट्री, डायसेंट्री, कॉलरा, टेटनस और नमूनिया एटसेट्रा। ये दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ वायरसेस वर्सेस बैक्टीरिया। एक और इम्पोर्टेंट बात, वायरसेस के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स है वो इनइफेक्टिव होती है, जबकि बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया के पास प्रॉपर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसके साथ अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है, जैसे राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, न्यूक्लिक एसिड होता है इसके पास, तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो है चारों क्लास जितनी भी है वो सारे इसके ऊपर इफेक्टिव होती है, जबकि वायरसेस के ऊपर कोई एंटीबायोटिक जो है इफेक्टिव नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और आल्सो दे डोंट हैव एनी मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ देयर ओन वर्क फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन,
दैट्स वाई हमारे एंटीबायोटिक्स जो है इसके ऊपर इनफेक्टिव होती हैं।